हिंदी में हमने रिवीजन कौन कर लिया था, तीन और चार अक्षर वाले शब्दों का। आज हम देखते हैं उसके सेंटेंस और शब्द कैसे आगे बनाते हैं वो। पेज नंबर 45 तक हमने कंप्लीट किया कर लिया था, ए पेज वाला हमने इसका रिवीजन कर लिया था। आगे वो आप सबने अपनी फेसबुक में या रफ बुक में लिख कर रिविजन कर लिया होगा कि कैसे ऐसे चार अक्षर वाले शब्द बनते हैं। बचपन, उपवन, कसरत, टमटम, थर्मल, सरगस, ऐसे कई सारे शब्द हमने देखे थे। अब देखते हैं पेज नंबर है 46। 46 पेज नंबर है। चित्रों को देखकर उनके नाम पूरे कीजिए। देखिए ऐसे शब्द है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पिक्चर्स में फर्स्ट एक ही वर्ड्स लिखा है, टमटम का पिक्चर है और एक ही वर्ड्स लिखा है। तो ही केवल दिया है और चित्र दिया है तो आपको ये वर्ड्स पूरा करना है तो आप क्या लिखेंगे, क्या है इसमें, तो क्या शब्द बनता है, टमटम का पिक्चर है तो आपको समझ में आना चाहिए। टमटम यानी हम जिसे बोलते हैं घोड़ा गाड़ी को हॉर्स कैरेज। तो दूसरा पिक्चर में और ही लिखा है। और तीसरा पिक्चर में आपको सोचना है तीसरा पिक्चर में अदरक, तीसरा पिक्चर में अदरक अदरक। फिर उसके बाद में और ही लिखा है, पिक्चर किसका है, फार्मास का। किसका पिक्चर है, फार्मास का। ऐसे एग्जाम में भी ऐसे वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद में अलिखा है, दूसरे वर्ड्स क्या लिखेंगे हम, अचकना। क्या पिक्चर है, अचकन का पिक्चर है। फिर किसका पिक्चर है और ही लिखा है, ये तो आप सभी को आ जाएगा, आ जाएगा ना। किसका पिक्चर है, अजगर का। फिर उसके बाद बॉबी लिखा है तो कौन सा पिक्चर है, क्या है चित्र में, बर्तन, क्या है, बर्तन। फिर है और लिखा तो पिक्चर किसका है, पंडित। किसका पिक्चर है, पंडित का। फिर है किसका पेड़ है, ये बरगद का पेड़ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बरगद का। फिर है जिसे हम बीट बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सलगम, क्या बोलते हैं, सलगम, सलगम का पिक्चर है। तो ऐसे चित्र पहचान कर आपको ऐसे वर्ड्स लिखने होंगे। फिर उसके बाद है पेज नंबर 47 पर बनाइए तो जाने, बनाएंगे तो जाने। जैसे चार अक्षर दिए हैं, ग्राम ने को किया है और उसके चारों ओर शब्द लिखे हैं, ज क न। और यहाँ पे लिखा है ज ग र, ऐसे ये म र ख ऐसे। और यहाँ पे लिखा है द र प। तो हमें इन चार में से शब्द बनाना है। यहाँ के नंबर्स दिए गए हैं वहां पर, ऐसे चार नंबर में हमें यहाँ से ढूंढकर यहाँ पर शब्द लिखना है। बॉक्स वाला अक्षर है वो पहले लिखेंगे, फिर ये वर्ड्स लिखेंगे। तो क्या शब्द बनता है देखिए, और फिर उसके बाद है च प न, तो यहाँ पे लिखेंगे च प न, तो पूरा शब्द बन गया अ च प न। फिर है अ च प र, पहले क्या लिखेंगे हम, पहले हर शब्द में हमें बीच वाला ही शब्द लिखना है इसमें, अ च ग र ऐसे। फिर अ पहले लिखेंगे म र ख, तो क्या शब्द बनता है देखिए, अ म र ख अम्र। ठीक है अ ड र क, फिर शब्द बनता है अ
द र क क्या शब्द बनता है अदर। फिर उसके बाद अब ब लिया है और नीचे शब्द लिखे ठीक है, तो उसका शब्द क्या बनता है देखिए, यहाँ पे लिखा है को र ब द तो इसको पहले शब्द में ब लिखेंगे पहले शब्द में और क्या शब्द बनते हैं देखते हैं। ब र ब द क्या बनता है बर्गर, क्या बनता है बर्गर। फिर है ब च प न पहले ब लिखते हैं तो क्या बनता है ब च प न शब्द बन गया बचपन। अब लिखेंगे ब पहले ब य त न हो गया बर्तन, ऐसे शब्द बनते हैं। फिर लास्ट में स ऐसे स कौन सा स है वो नीचे का शब्द लिखते हैं ल ब म फिर ब त र ब त। तो देखिए क्या शब्द बनता है शब्द लिखते हैं पहले श ल ब म शब्द क्या होता है शब्द। फिर देखिए श पहले लिखते हैं श र ब त, तो हमने देखे श लिखा र ब त तो श र ब त ऐसे शब्द बनते हैं। आप सबको एग्जाम के लिए इसका पूरा रिवीजन करना है ना, एग्जाम के इसे सर्कल आपको पूछे जा सकते हैं ठीक है। अब उसके बाद है पेज नंबर 48 पर वो देखते हैं। तो आपको ऐसे पिक्चर देखकर अपने आप ऐसे
शब्द लिखने भी आने चाहिए। अगर तीन है पनगण, प न भ ट, पनगण का पिक्चर है। तीन है शरगम, श ड व म, शरगम। ये क्या है? गार्डन में हम उसको बोलते हैं उपवन। क्या बोलते हैं? उपवन, उपवन। फिर है कटहल, क्या बोलते हैं उसको? कटहल बोलते हैं, कटहल। फिर है हरमस, ये हो गए हमारे चित्र देखकर शब्द। आपको ऐसे दो वाले, तीन वाले और चार अक्षर वाले शब्द अपने आप लिखने आने चाहिए। टीचर्स कोई भी हो, आपको अपने आप लिखना आना चाहिए। जैसे हमने दो वाले, तीन वाले और चार अक्षर वाले शब्द लिखने सीख लिए, तो आप सब इसका पूरी तरह से रिवीजन भी अच्छी तरह से करो, ठीक है? तो 49 पेज नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया है आज। तो इसके आगे हम फिर देखेंगे। आप सब भी अपनी पेन बुक में या रफ बुक में कहीं भी लिख कर इसका रिवीजन अच्छे हैंड राइटिंग के साथ करना, ठीक है बच्चों? थैंक यू।